नमस्कार, मैं हूं कुसुम। GB24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। G20 समिट 2023 के समय से देश का नाम बदलने की खूब चर्चा हुई। कहा गया कि इंडिया की जगह भारत लिखा जाएगा। राष्ट्रपति ने G20 के नियोते में इंडिया की जगह भारत लिखकर भेजा। फिर G20 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेम प्लेट पर भी भारत लिखा। इसके बाद संसद का विशेष सत्र शुरू हुआ तो फिर उस चर्चा ने जोर पकड़ लिया। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज स्कूली किताबों में देश का नाम बदलने की सिफारिश की गई है। अब खबर है कि एनसीईआरटी की किताब में जल्द ही हर जगह से इंडिया शब्द की जगह भारत का प्रयोग किया जाएगा। एनसीईआरटी पैनल के सामने इससे संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया था। किताबों में भारत के इस्तेमाल से जुड़े प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। देश का नाम भारत करने की कवायद तब से शुरू हुई जब से आधिकारिक रूप से भारत नाम पहली बार G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लिखा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से दिए गए डिनर इनवाइट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। इस पर विपक्षी दलों ने खूब हल्ला मचाया। फिर G20 के मंच से पीएम मोदी की नेम प्लेट पर भी भारत लिखा नजर आया। पिछले दिनों देश का नाम बदलने को लेकर तगड़ी चर्चा छिड़ी थी, वहीं अब इस पर फैसला आ गया। एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया का नाम अब भारत लिखा जाएगा। एनसीईआरटी पैनल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दिया। एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने 12वीं की किताबों में इंडिया की जगह भारत करने का फैसला किया है। एनसीआर कमेटी के चेयरमैन CI Isaac ने कहा कि 7 सदस्यों वाली समिति ने एक मत से ये सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि भारत युगों पुराना नाम है। भारत नाम का इस्तेमाल विष्णु पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है जो 7000 साल पुराना है। Isaac ने कहा कि इंडिया शब्द का प्रयोग आमतौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और 1957 में पलासी के युद्ध के बाद ही किया जाने लगा था। इस समिति ने पाठ्य पुस्तकों में प्राचीन इतिहास के बजाय शास्त्रीय इतिहास को शामिल करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को 3 चरणों में विभाजित किया, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, जिसमें भारत को अंधकार में दिखाया गया है। वैज्ञानिक ज्ञान और प्रगति से अनभिज्ञ दिखाया गया। हालांकि उस युग में भारत की उपलब्धियों के कई उदाहरणों में आर्यभट्ट का सौर मंडल मॉडल पर काम शामिल है। एनसीईआरटी समिति ने पाठ्य पुस्तकों में प्राचीन इतिहास के स्थान पर क्लासिक हिस्ट्री शुरू करने की सिफारिश की है। इसके अलावा एनसीईआरटी समिति ने सभी विषयों के लिए पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणाली शुरू करने की भी सिफारिश की है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GB24 न्यूज। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। ये है Genesis Media Network और आप देख रहे हैं GBN24 न्यूज।